Hello everybody, today we will be doing question number 4 from exercise 10C. Question is, a path of 2 meter wide is built along the border and inside a square garden of 16 meters. Koi ek square garden hai? Theek hai. Ab hume thoda sa focus karna hai, concentrate karna hai ki path jo built ho raha hai 2 meter wide, whether the path is outside the path or inside the path. पार्क सॉरी ठीक है तो यहाँ पर गार्डन के अंदर है दिस इज इनसाइड द पार्क 2 मीटर वाइड दिस इज 2 मीटर वाइड दिस इज अगेन 2 मीटर वाइड यहां से भी 2 मीटर यहां से भी 2 मीटर वाइड है ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क हमें क्या फाइंड आउट करना है ये सारी प्रॉब्लम्स पूरी एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्या एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क हमें फाइंड आउट करना है तो फिर व्हाट वी कैन डू हियर इज एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले सॉरी एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा दिस विल बी साइड स्क्वायर दिस इज 60 × 60 दिस इज 3600 मीटर स्क्वायर तो ये टोटल पार्क का एरिया आ गया 3600 राइट नाउ वील फाइंड आउट द एरिया ऑफ यू कैन कॉल इट इंटरनल ब्लॉकिंग हम बोल देते हैं इसको इंटरनल ब्लॉक ये कितना आ जाएगा यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी लेंथ विल बी 60 माइनस यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है हियर ऑल्सो वी हैव 2 सेंटीमीटर सो 2 + 2 60 माइनस 2 + 2 दिस इज 60 - 4 दिस इज इक्वल टू 56 मीटर्स राइट बेस कितनी हो जाएगी सॉरी ब्रेथ कितनी हो जाएगी ब्रेथ विल बी अगेन 60 - 4 टू दिस साइड एंड 2 मीटर्स दिस साइड ठीक है दिस विल कम आउट टू बी 56 मीटर्स राइट नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज एरिया कितना हो जाएगा दिस विल बी 56 × 56 ठीक है दिस विल कम आउट टू बी 6313 मीटर स्क्वायर राइट नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पाथ तो एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ विल बी टोटल एरिया में से इफ वी सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ इंटरनल ब्लॉक विल गेट द एरिया ऑफ पाथ ठीक है सिंपल है 3600 - 31 3136 दिस विल कम आउट टू बी 4 9 में से 3 क्या विल गेट 6 है वन गया विल गेट 464 मीटर स्क्वायर ठीक है राइट नाउ वील कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बी पार्ट द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्लावर्स इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन हमें कहां पे फ्लावर्स प्लांट करने हैं एट द रिमेनिंग पोर्शन ठीक है इस पे करने हैं एट द रेट ऑफ ₹5 per meter square तो ये वाला जो पोर्शन है उसका एरिया कितना निकल के आया था दैट वॉज 3136 मीटर स्क्वायर ठीक है तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्लावर्स इन 1 meter square इज इक्वल टू ₹5 1 meter square में कितना गिवन है द कॉस्ट इज गिवन एज ₹5 दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्लावर्स इन 3136 मीटर स्क्वायर विल बी नाउ कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्लावर्स इन 3136 मीटर स्क्वायर विल बी 5 × 3136 ठीक है दिस विल कम आउट टू बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको दिस विल 5 × 6 = 30 5 × 3 = 15 18 5 × 5 = 6 5 × 3 = 15 दिस इज कमिंग आउट टू बी 15680 सॉरी दिस विल बी रुपीज ठीक है तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी क्लियर नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरांडा ऑफ विथ 4.75 मीटर्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलॉन्ग आउटसाइड ऑफ अ रूम विच इज 20.5 मीटर. एक रूम है, दिस इज 20.5 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर वाइड. एक रूम है, इसके अलॉन्ग देयर इज अ वेरांडा. ठीक है, यहां पे कितना है, दिस इज 4.75 एंड दिस वेरांडा इज आउटसाइड द रूम, बाहर है रूम के. ठीक है, दिस इज अगेन 4.75, दिस इज 4.75, दिस इज अगेन 4.75. सो इन द ए पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वेरांडा. ये वाला जो स्पेस है इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो व्हाट वी डू हियर इज एरिया ऑफ रूम फाइंड आउट कर लेंगे. दिस विल बी 20.5 इंटू 15.5. L into B होता है ना, L here is 20.5 and B is 15.5. तो हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, this will come out to be 317.75 meter square. This will be the area of room, right? Now the next part will be we'll find the area of total area. ठीक है, total area means the area of room along the area of veranda. ये पूरा जो total space है उसका हम area find out करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, L into B, total L into total base. तो यहाँ पे total L कितनी हो जाएगी, this will be 20.5 plus this 4.75. This 4.75 कितना होता है 9 meters. This will be 29.5 meters. ठीक है, now we'll calculate the breadth. This will be 15.5 plus 4.75 ऊपर 4.75 here. This will be 9 meters. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो this will come out to be 4.75 plus 4.75 will be 9.5. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, this will be 20.5 plus 9.5, this will come out to be 30 meters. ठीक है, ये 30 आ जाएगा, राइट. नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज 15.5 प्लस इधर 4.75 हियर 4.75, दिस विल बी 9.5. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 25. ठीक है, 25 मीटर. तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी एल इंटू बी 30 इंटू 25, राइट. सो दिस विल कम आउट टू बी 3 5s are 15, 3 2s are 6 7 0, 750 मीटर स्क्वायर. तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली होल एरिया. ये पूरा, दिस इज द एरिया ऑफ रूम अलोंग विद द वेरांडा. तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वेरांडा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वेरांडा विल बी टोटल एरिया, दिस इज 750 माइनस एरिया ऑफ रूम. ठीक है, ये दो बार टोटल एरिया में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 432.25 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये क्या आ गया, दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ वेरांडा. ये जो बाहर का पाथवे है उसका एरिया आ गया. ठीक, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग टाइल्स इन द वेरांडा. हमें यहां पर टाइल्स पुट करनी है. ठीक है, तो 1 meter स्क्वायर का क्या रेट है, दिस इज रुपीज 20, द रेट इज रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर. ठीक, तो फिर इसका कितना आ जाएगा, दिस विल बी, इफ वी हैव टू पुट
टाइल्स इन 432.25 meters square. तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 432.25 into 20 rupees. ठीक, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5 point लगाती हूँ, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 0 है, तो दिस विल कम दिस साइड. दैट मीन्स द आंसर विल बी 8,645 rupees. ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट. Here we complete this question. Now we move on to question number 6.